हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। अगर इससे पहले आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप पुराने पार्ट्स देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने उस पार्ट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक को, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है हमको ए से बी, और ये फिक्स होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है फिक्स होगी, मतलब क्वेश्चन में इसका कोई जिक्र नहीं होगा। तो जब क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं होता तो हमेशा जो हमारी डिस्टेंस होती है फिक्स होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है मैं बार बार डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ। मान लो पहले एक्स स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ, दोबारा वाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ, तिबारा जेड स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूं, तो हर बार मेरी स्पीड डिफरेंट है। तो अगर हम इसका एवरेज लें, सारी स्पीड जो होती है उसका एवरेज लें, तब एक जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी तो उसको हम कहते हैं औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। तो चलिए क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जब दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चले जाए तब फॉर्मूला दूसरा होता है, जब तीन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से हम सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं तब फॉर्मूला दूसरा होता है। और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसके जरिए आप 5 सेकंड में इजीली कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले मैं बेसिक बताऊंगा और दोबारा उसी क्वेश्चन को ट्रिक से बताऊंगा जल्दी से करने के लिए। तो मान लीजिए, हाँ क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि अपने स्कूल से घर 4 किलोमीटर की चाल से जाती है तथा 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल से घर वापस आती है। अंजलि की औसत चाल बताइए। अब यहाँ इस पे दूरी मतलब डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है। अब स्कूल से घर तक की दूरी उतनी ही होगी और घर से स्कूल की भी दूरी उतनी होगी। और यहाँ देखिए चाल मतलब स्पीड डिफरेंट डिफरेंट, एक बार 4 किलोमीटर पर आर है, एक बार 6 किलोमीटर आर है। फिर हमको अंजलि की औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला, जब दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दी गई है तो औसत चाल हमारी हो जाती है फॉर्मूले से, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, ये हो जाता है फॉर्मूला हमारा 2 × x × y। x मतलब पहली स्पीड है, y दूसरी स्पीड है, अपॉन x प्लस y हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पहली स्पीड मतलब x 4 किलोमीटर है, दूसरी 6 किलोमीटर है, इसी को हमको निकालना है औसत चाल। तो हम बस कुछ नहीं, जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 × 6 अपॉन x प्लस वाई, मतलब 4 पहली स्पीड और दूसरी स्पीड 6 है, बस इसी को जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो आ जाएगा 2 × 4 × 6 और ये कितना आ जाएगा 10। अब कट कर देना है तो मैं 2 से कट कर दिया तो वह आया 3 और ये हो गया 5, ठीक है। अब 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, तो 24 अपॉन 5 हमारा आंसर आ गया और यही हमारी एवरेज स्पीड है। इसी क्वेश्चन को हम, ये हमारा आंसर है और ये हमारी एवरेज स्पीड। इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक और आसान है और जल्दी से हो जाएगी। चलिए इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पहले स्पीड 4 है, दूसरी स्पीड 6 है, इनके एलसीएम 12 आएगा, ठीक। फिर एलसीएम से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2, तो इसको ऐड कर लेना 5। अब सेम डिस्टेंस दो बार ट्रेवल की जा रही ना तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और इससे डिवाइड कर देंगे जो इधर आया ऐड करने, तो 2 × 24 / 5, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। इससे आप 5 सेकंड में कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये ज्यादा 20 सेकंड ले सकता है, लेकिन इससे आप एकदम आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अंजलि किसी दूरी ए बी को क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की चाल से तय करती है तो हमें औसत चाल बतानी है। तो इसका फॉर्मूले से पहले करेंगे फिर ट्रिक से करेंगे। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो एवरेज स्पीड का, जब तीन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 3x y z। ये तीनों स्पीड है लाइन से एक्स वाई जेड, पहली दूसरी तीसरी, अपॉन ये होता है एक्स वाई पहली दूसरी स्पीड, फिर वाई जेड दूसरी और तीसरी स्पीड, प्लस जेड एक्स तीसरी और पहले स्पीड का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। 3 × x × y × z, एक्स है 3 किलोमीटर, वाई है 4 किलोमीटर और जेड है 5 किलोमीटर, और इन्हीं का एक्स वाई करना है प्लस मल्टीप्लाई के साथ, तो 3 × 4 + y z मतलब 4 × 5 + z x मतलब तीसरी और पहली, मतलब 3 5 ×
3। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो जाएगा 3 × 3 × 4 × 5 अपॉन, इसका सबको ऐड करेंगे 3, ये आ जाएगा 12 + 4 = 20 + 15। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 3 = 9, 9 = 36 और 36 × 5 = ऊपर बस मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया 36 × 5 = 180 और नीचे ऐड कर दिया 47। यही हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते हैं तो जल्दी से हो जाएगा। ट्रिक क्या है, इसी से निकली है सब, ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता एक्चुअली, इसी में से सब निकलता है कॉन्सेप्ट में, तो कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी होना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए देखते हैं, 3 स्पीड है 3, 4 और 5, तो वही करना है, उनका एलसीएम ले लेना, 3, 5, 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे फैक्टर कॉमन नहीं होता तो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए, जब कोई फैक्टर कॉमन ना हो, 3, 4, 5 में कोई फैक्टर 1 के अलावा कॉमन नहीं है तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 4 = 12, 5 = 60, 3 को 60 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, फिर 4 को इसके डिवाइड कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 5 से 12 आ जाएगा, बस इनको ऐड कर लेना है तो 47 आ जाएगा, 47। और 3 बार सेम डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी जो एलसीएम आएगा, क्योंकि 3 बार डिस्टेंस ट्रेवल की गई अपॉन ये 57, ये भी 180 अपॉन 57 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको दोनों क्वेश्चन, जब दो स्पीड डिफरेंट डिफरेंट से ट्रेवल की जाए सेम डिस्टेंस तब क्या करते हैं, और जब सेम डिस्टेंस 3 डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल की जाती है तब क्या करना है। तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला याद रखिए या तो आप शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए, किसी से भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन एकदम टाइम से मिल जाएगा जब मैं कोई वीडियो डालूंगा। थैंक यू सो मच।